हेलो डियर स्टूडेंट्स नाव वी आर गोइंग टू टेक द नैक्सट सब टॉपिक दैट मीज टेन पॉइंट जीरो सेवन ऑफ द पी डी एफ नोट्स दैट इज एम्पलीटूड मॉडलेशन जैसे कि आप बच्चों आप जानते हो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ मॉडलेशन एम्पलीटूड मॉडलेशन जो एम से हम रिप्रेजेंट करते हैं फ्रिकेंसी uh, मॉडलेशन है जो एफ एम से हम रिप्रजेंट करते हैं और फेज़ मॉडलेशन जो हम पी एम से रिप्रजेंट करते हैं वो आर थ्री टाइप्स ऑफ मॉडलेशन लेकिन एज पर सिलेबस जो है यहाँ पर हमें एम्पलीट्यूड मॉडलेशन पढ़ना है वो आर थ्री टाइप्स ऑफ मॉडलेशन पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया मॉडलेशन क्या होता है मॉडलेशन के नीड क्या होता है सो दे टाइप्स ऑफ मॉडलेशन दैट इज एम्पलीशन फ्रीकेंसी मॉडलेशन एंड फेज मॉडलेशन सो वी आर गोइंग टू टेक एम्पलीट्यूड मॉडलेशन क्या होता है बच्चों

एम्पलीटूड मॉडुलेशन एम्पलीटूड मॉडलेशन पर ट्रांसमिशन वेरी लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल जिसको हम बोलते हैं बेस बैंड सिग्नल भी यूजिंग हाई फ्रिक्वेंसी कैरेड कैरेड विदाउट डिस्टॉबिंग द बेसिक सिग्नल बेसिक बैंड सिग्नल गो ये जो क्या होता है एम्पलीट्यूड मॉडलेशन पर ट्रांसमिशन ऑफ ए वेरी लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल गो एम्पलीशन परमिट करता है ट्रांसमिशन ऑफ जो लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल है, उसको transmission, उसका transmission permit करता है. विदाउट यूजिंग हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर जो हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर यूज करके विदाउट डिस्टोर्टिंग द बेसिक बैंड सिग्नल और बेसिक बैंड सिग्नल को उसको उसको कोई डिस्टॉट नहीं करना है द प्रोसेस ऑफ एम्पलीटूड मॉडलेशन चेंजिज द एम्पलीट्यूट ऑफ द कैरियर वेव विदाउट चेंजिंग द ऑरिजिनल फ्रिकुनसी ऑफ़ द कैरियर वेव जो एम्प्लीटूड मॉडलेशन में क्या होता है प्रोसेस ऑफ एम्पलीटूड मॉडलेशन में जो होता है उसमें चेंज होता है एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर वेव कैरेट वेव का एम्पलीट्यूड चेंज होता है विदाउट चेंजिंग द द्री ऑरिजिन फ्रिकुएंसी ऑफ द कैरेट वेव लेकिन उसका ऑरिजिन फ्रिकुवेंसी वो चेंज नहीं होता है सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड वैन ए मॉडोलेटेड ऑडियो फ्रिकुवेंसी वेव इज सुपर इम्पोज ऑन ए हाई फ्रिकुनसी कैरेट वेव इन अ मैनर दैट द फ्रिक्वेंसी ऑफ द मॉडिलट वेव इज सेम एज ऑफ द कैरेट वेव बट इट्स एम्पलीट्यूड इज मॉडिफाइड गो आपको ध्यान रखना है बेटा एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन क्या होता है वैन ए मॉडलेटेड ऑडियो फ्रिक्वेंसी वेव इज मॉडलेटिंग ऑडियो फ्रिक्वेंसी वेव इज सुपुर इम्पोज ऑन ए हाई फ्रिक्वेंसी कैर वेव जब उसको हाई फ्रिक्वेंसी में कैरीर uh, वेव के ऊपर मॉड्यट किया जाता है तो इन द मैनर डैट द फ्रीकुंसी जो मॉडूलेट uh, वेव की जो फ्रिक्वेंसी uh, होती है वो सेम रहती है एज दैट ऑफ द कैर वेव जो फ्रिक्वेंसी ऑफ द मॉड्यट वेव हो जो होती है वो सेम रहती है लेकिन एज दैट ऑफ द कैर वेव लेकिन जो एम्पलीट्यूड जो होता है एम्पलीट्यूट इज मॉडिफाइड दैन द प्रोसेस इज कॉल्ड एम्पलीटूड मॉडुलेशन इसको एम्पलीटूड मॉडूलेशन बोलते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं एम से सो so इसको आप फिगर में भी अंडरस्टैंड uh, करोगे सो मैथमेटिक्प्लीटूड मॉडलेशन क्या होता है द कैरियर सिग्नल इज गन बाई दैट इज रिपेन्ट बाई कैरियर सिग्नल दैट इज गन बाई ई सी इज कल्ड ई सी साइन ऑफ ओमेगा सी इंटू टी इसको फर्स्ट रिप्रेजेंट करते हैं द मॉडलेटिंग सिग्नल क्या होता है दैट इज गन बाई ई एम दैट इज ई एम इज कल टू ईम साइन ओमेगा एम टी इसको सिग्नल सेकेंड बोलते हैं वैन जब हम मॉडोलेटिंग सिग्नल सुपर इम्पोज करते हैं ऑन द कैरियर सिग्नल वैन द मॉडोलेटिंग सिग्नल को सुपर इम्पोज किया जाता है ऑन द कैरियर सिग्नल तो जो एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉडलेट वेव है द एम्पलीटूड वैन द कैरियर when this uh, modulating signal is super, superimposed on the carrier signal then, then the amplitude a of the modulated wave is given by this is page number uh, 164 when the modulating signal is superimposed on the carrier signal then the amplitude uh, of the modulated wave is given by a is equal to e c plus e m that is a is equal to ई e सी जो है दैट इज कैरियर सिग्नल का दैट इज रिप्रेजेंट बाई ई सी साइन ओमेगा सी इंटू टी प्लस ई एम है दैट इज मॉडलेटिंग सिग्नल इज रिप्रेजेंट बाई दिस ई एम साइन ओमेगा टी सो दिस इज क्वेश्चन थर्ड क्योंकि सिंस द कैरियर वेव इज ट्रांसफर सेव जो कैरियर वेव है दैट इज ट्रांसफर सेव जो कैरियर वेव होता है दैट इज ट्रांसफर सेव उसके लिए जो साइन ओमेगा सी इंटू टी है वो वन के बराबर है उसका मतलब है कि जब हम यहाँ देखेंगे ये यह बनेगा इक्वेशन थ्री बनेगा ए इज इक्वल टू ई क्योंकि साइन ओमेगा सी टी वो बराबर है वो वन के बराबर है क्योंकि दिस इज दिस इज ट्रांसवर्स वेव तो ट्रांसवर्स वेव के लिए जो साइन ओमेगा सी इंटू टी वो बराबर है वन ये बनेगा इक्वेशन थर्ड okay, बनेगा एज इक्वल टू ई सी प्लस ई एम साइन ओमेगा एम इंटू टी दिस इज कॉल्ड टॉप एनोलोप ये इसको टॉप एनोलोप बोलते हैं सिमिलरली दै मैक्सिमम नेगेटिव एम्पलीट्यूड इज गिवन बाय जब हम नेगेटिव मैं इसको रिप्रेजेंट करेंगे नेगेटिव एम्पलीट्यूड ये हो गया टॉप एनवेलोप दिस इज पॉजिटिव एम्पलीट्यूड एंड दिस इज द नेगेटिव एम्पलीट्यूड मैक्सिमम नेगेटिव एम्पलीट्यूड इज गिवन बाय माइनस ए जब माइनस लगाएंगे ऊपर ये बनेगा एज कल माइनस ई सी प्लस ई एम साइन ओमेगा टी साइन एम साइन ओमेगा एम टी दिस इज इक्वेशन फाइव आप देखो यहाँ पर देखो इट इज बॉटम अभी देखो ये ऊपर ये कैरियर वेव है दिस इज द कैरियर वेव रिप्रेजेंट बाई सी इजकल ई सी साइन ओमेगा सी इन टी दिस इज द मॉडलेटिंग वेव जो रिप्रेजेंट करता है ई एम इज टूम साइन ओमेगा इन टी जो हमने ऊपर पढ़ा अभी एक्सप्लेन किया तो जब हम इनको इम्प्रू uh, जब हम मोडलेट ये यह जो यहाँ पर है ये दिस इज एम्पलीट्यूड मोडलेट वेव एम्पलीट्यूड मॉडलेटिड वेव यहाँ पर बनता है जब इन दो वेव्स को जब कैरियर वेव के ऊपर ये सुपरो इंपो, इम्पोज किया जाता है दिस मॉडोलेटिंग सिग्नल ऑडियो सिग्नल ऑफ़ लो फ्रिक्वेंसी सुपरपोज किया जाता है कैरियर वेव पर तो इस केस में एम्पलीट्यूड मॉडूलेशन में क्या होता है जो हमने मैंने अभी एक्सप्लेन किया जब वैन ए मॉड्यटिंग ऑडियो फ्रिक्वेंसी वैन द मॉडोलेटिंग ऑडियो फ्रिक्वेंसी वेव इज सिपोर इम्पोज ऑन द हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर वेव इन अ मैनर दैट द फ्रिक्वेंसी ऑफ द मॉड्यट वेव जो फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉड्यूलेट वेव जो है वो सेम uh, रहती है एज दैट ऑफ द कैरियर वेव जो कैरियर वेव का फ्रीक्वेंसी है वो जो, जो वो सेम रहता है जो मॉडलेटड वेव जो है मॉडलेटड वेव जो है उसका फ्रीक्वेंसी सेम रहता है एज दैट ऑफ द कैरियर वेव बट जो एम्पलीट्यूड जो होता है उसका मॉडिफाई हो जाता है इसका एम्पलीट्यूड मॉडिफाई हो जाता है जिसकी वजह से ये जो ऑडियो सिग्नल जो है ये मॉडलेटिंग ऑडियो फ्रिक्वेंसी है उसको सुपरो इम्पोज किया जाता है ऑन द कैरियर वेव और ये बनता है दिस इज़ कैरियर वेव दिस इज मॉडलेटिंग वेव और दिस इज एम्पलीट्यूड एम्पलीटूड वेव क्योंकि यहाँ पर इसका एम्पलीट्यूड चेंज हो जाता है मॉडिफाई हो जाता है तभी तो जाके ये जब इसका एम्पलीट्यूडी मॉडिफाई mod, हो जाता है ऑडियो फ्रिक्वेंसी का तभी तो ये कैरेट के कैरेट वेव के साथ जब इसको सुपोरपोज किया जाता है मॉडोलेटिंग वेव को जब कैरेट वेव के ऊपर सुप्रो इम्पोज किया जाता है ये फ्रीक्वेंसी जो मॉडलेटड वेव है उसका फ्रीक्वेंसी सेम रहता है एज डेट ऑफ द कैरेट वेव बट जो एम्पलीट्यूड uh, है इसका मॉडिफाई हो जाता है इसका मॉडिफाई एम्पलीट्यूड हो जाता है यहाँ पर आप देखते हो दिस इज एम्पलीट्यूड मॉडलेटड वेव दैट दिस फिगर ए दिस शोज़ दैरड वेव फिगर बी दिस शोज़ द मॉडिलेटिंग वेव एंड फिगर सी शोज़ द एम्पलीट्यूड मॉडलेटड वेव सो यहाँ पर आप इस फिगर को डायग्राम को अच्छी तरह से देखोगे दिस इज़ द इन दो सिग्नल को सुपर सुपराम्पोज किया गया है जहाँ पर इसका एम्पलीट्यूड चेंज होता है और जो फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडूलेट वेव वो रहती है सेम एज देट ऑफ दैरेट वेव को दिस इज़ मॉडूलेट वेव इसका इसका फ्रीक्वेंसी सेम रहता है एज दैट ऑफ द कैरेट वेव लेकिन जो एम्पलीटूड है एम्पलीट्यूड मॉडिफाई होता है क्यों बिकाज क्योंकि हमें एम्पलीटूड हम एम्पलीट्यूड मॉडूलेट करते हैं एम्पलीट्यूड मॉडूलेशन पढ़ रहे हैं जिसमें हमें जो ऑडियो सिग्नल है उसका एम्पलीट्यूड को चेंज किया जाता है जब एम्पलीट्यूड चेंज हो जाएगा और हम जो ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है उसको उसका एम्पलीट्यूड चेंज करके हम सुपरम्पोज करते हैं फिर हाई फ्रीक्वेंसी पर और हाई फ्रीक्वेंसी जो जो मॉडल एम्पलीट्यूड मॉडूलेट वे बनता है उसका एम्पलीट्यूड चेंज होता है और वो सिग्नल कैरी होता है टू द लार्जर डिस्टेंसिस सो फ्रॉम द फिगर हम देखेंगे फ्रॉम द फिगर इट इज़ क्लियर दैट टू ई एम इज ई मैक्मम माइनस ई मिनिमम आप फिगर को देखो यहाँ पर फिगर को देखो फिगर में ये जो ये जो ई एम है ये जो ई e maximum है टू ई एम इज इक्वल माइनस ई मिनिमम ई मैक्सीम माइनस ई मिनिमम यहां पर देखो आप ये टू ई एम ये ई एम और ई एम है ये बने को टू ई एम वो बराबर वो बराबर है ई e maximum माइनस ई मिनिमम गो एम ई एम प्लस ई एम वो बन गए टू एम यहाँ से यहाँ तक ई एम प्लस ई एम बनेगा टू एम और वो टू एम टू ई एम किसके बराबर है वो बराबर है ई मैक्सिमम यहाँ तक है यहाँ से यहाँ तक ई मैक्सिमम है माइनस e यहाँ से यहाँ तक ई मिनिमम e तो ये आगे जाके कैलकुलेशन पार्ट बनता है वो टू ई एम वो बनेगा ई मैक्सिमम माइनस ई मिनिमम तो यहाँ पर ई e मैक्सिमम किसके बराबर निकलेगा ए बनेगा टू नीचे आएगा बनेगा ई मैक्सिमम माइनस ई मिनिमम डिवाइड बाई टू बनेगा इक्वेशन सेक्स सिक्स ऑलसो फ्रॉम द फिगर यहाँ पर फिगर को देख लीजिए फिगर को देख लीजिए दैट मीनस ई सी ई सी वो किसके बराबर है वो बराबर है ई मैक्सिमम माइनस ई एम जो ई सी है इसका ये जो ई सी जो है यहाँ से यहाँ तक जो ई सी है दैट इज इक्वल टू ई सी दैट इज इक्वल टू ई मैक्सीम ई मैक्सिमम ई मैक्सिमम माइनस ई मिनिमम ईम ई मैक्सीम यहाँ से यहाँ ई एक्स ई मैक्सिमम माइनस ई एम माइनस ई एम सो जो ई e, सी e जो है जो यहाँ से यहाँ तक है तो वो बराबर है e, ई यहाँ से देखो आप वो बराबर है e ई मैक्सिमम यहाँ से यहाँ तक देते हो यहाँ से यहाँ तक देखो ई मैक्सिमम है यहाँ से यहाँ तक माइनस ई एम सो ये हम रिप्रेज करते हैं ये बनेगी इक्वेशन सेवन डैट इज

तो यहाँ पर टू एल्सम निकलेगा यह बनेगा ई सी निकलेगा बराबर टू टाइम्स टू टाइम्स ई मैक्सिमम माइनस यह बनेगा ई माइनस ई मैक्सिमम माइनस माइनस प्लस ये ओपन करेंगे बनेगा ई मिनिमम प्लस ई मिनिमम डिवाइड बाई टू अब यहाँ पर देखो ई मैक्सिमम में से एक ई मैक्सिमम हम निकालेंगे ये बनेगा ई मैक्सिमम ये बनेगा प्लस ई मिनिमम सो ई सी बराबर है ई मैक्सिमम प्लस ई मिनिमम डिवाइड बाई टू इक्वेशन सेकेंड ये है एम्पलीट्यूड मॉडलेशन एम इसका ये जो एक्सप्लेनेशन है एनालिसिस ऑफ एम्पलीट्यूड मॉडलेशन है दैट इज ई सी इज ई मैक्सिमम प्लस ई मिनिमम डिवाइड बाई टू अब एडवान्टजिज ऑफ द हम पढ़ेंगे ऑफ एम्पलीट्यूड मॉडलेशन क्या है दिस इज द एम्पलीट्यूड मॉडलेशन इज एन ईजियर मैथड फॉर ट्रांसमिशन एंड रिसिप्शन ऑफ स्पीच सिग्नल गो ये एम्पलीट्यूड मॉडलेशन है जब हम मॉडलेटिंग ऑडियो फ्रिक्वेंसी वेव को सुपर इम्पोज करते हैं हाई फ्रिक्वेंसी कैरेवे पर फ्रिक्वेंसी सेम रहता है कैर वेव का और एम्पलीट्यूड उसका मॉडिफाई होता है तो एम्पलीट्यूड मॉडलेशन जो है इसका एडवांटेज है कि एम्पलीट्यूड मॉडलेशन इज़ एन ईजियर मेथड फॉर ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ़ स्पीच सिग्नल जो स्पीच सिग्नल्स है उनको ट्रांसमिट करने में और रिसीव करने में एक एक ईजी मेथड है एम्पलीट्यूड मॉडलेशन इट रिक्वेयर सिंपल एंड इन एक्सपेंसिव रिसीवर इसके लिए क्या चाहिए हमें सिंपल और इनएक्सपेंसिव रिसीवर चाहिए इट इज़ कंसिडर्ड एज एफेंट सिस्टम ऑफ मॉडलेशन वो एम्पलीट्यूड मॉडलेशन का को बोलते हैं एफिशिएंट सिस्टम ऑफ मॉडलेशन इसके डिसडवानटेजेज़ हैं एम्पलीट्यूड मॉडलेशन इट सफर्स फ्रॉम नॉइज जब एम्पलीट्यूड मॉडलेशन करते हैं जो सिग्नल का एम्पलीट्यूड uh, मॉडलेशन करते हैं इसमें नॉइज होता है काफ़ी एनर्जी लॉस होता है और कॉस्ट ऑफ जो ट्रांसमीटर्स हैं वो हाई है एम्पलीट्यूड मॉडलेट करने के लिए जो ट्रांसमीटर्स है उनका कॉस्ट काफ़ी हाई है उसमें एम्पलीट्यूड मॉडलेशन में नॉइज़ आ जाता है थोड़ा सा और लॉस ऑफ एनर्जी भी हो जाती है सो so, ये हमने पढ़ा एम्प्लोज मॉडलेशन क्या होता है उसका मैथमेटिकल एनालिसिस हमने पढ़ा और एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी हमने पढ़ा आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट इन ए बेटर वे जब आप वीडियो को एक दो बार रिपीट करोगे यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इन ए बेटर वे थैंक यू वेरी मच